नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को कवि श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान बताएंगे। तो सबसे पहले रचनाएं देखते हैं। तो श्रीकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीत का अपरा। काव्यगत विशेषताओं की बात की जाए तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत जो भाव पक्ष और कला पक्ष होता है उससे काव्यगत विशेषताएं लिखी जा सकती हैं। जैसे कि जो भाव पक्ष के वाक्य होते हैं और जो कला पक्ष के वाक्य होते हैं उन दोनों को मिलाकर के काव्यगत विशेषताएं लिख सकते हैं। इसके बाद भाव पक्ष देखते हैं। तो भाव पक्ष की बात की जाए तो भाव पक्ष के अंतर्गत कवि के विचार आते हैं कि कवि के विचार क्या थे और उन्होंने किस प्रकार के लेखन में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो भाव पक्ष है कि निराला जी रूढ़िवाद के सख्त विरोधी थे। कैसी थी? जो रूढ़िवाद का जो आयत होता है जो परंपरा चली आ रही है, तो निराला जी रूढ़िवाद के सख्त विरोधी थे। उन्होंने अपने सृजन के माध्यम से नई क्रांति पैदा की थी। उनके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर उभरा हुआ था। ऐसा उनके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर उभरा हुआ है। क्या उभरा है? निराला जी के काव्य में ओज, राष्ट्रप्रेम, अध्यात्म, रहस्य एवं समाजवादी चिंतन आदि की झलक मिलती है। क्या क्या मिलता है उनके काव्य में? ओज, राष्ट्रप्रेम, अध्यात्म, रहस्य एवं समाजवादी चिंतन आदि की झलक मिलती है। क्या क्या मिलता है निराला जी के काव्य में? ओज, राष्ट्रप्रेम, अध्यात्म, रहस्य एवं समाजवादी चिंतन आदि की झलक मिलती है। आगे देखते हैं कला पक्ष। तो कला पक्ष की बात की जाए तो कला पक्ष के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं कि कवि ने उसमें कैसी भाषा का प्रयोग किया है, कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है और उन्होंने अपनी भाषा को कैसे सजाया है। कला पक्ष निराला जी की शुद्ध खड़ी बोली है। कैसी है? निराला जी की शुद्ध खड़ी बोली है। उन्होंने मुख्य छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की है। क्या है? उन्होंने मुख्य छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की है। उन्होंने प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को प्रस्तुत किया है। साहित्य में स्थान। निराला जी ने छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य में नई नई प्रतिमान स्थापित की। क्या किया है? निराला जी ने छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य में नई नई प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुक्त छंद के आविष्कारक निराला को हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान है। तो आप लोग इस प्रकार से श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। तो हे गाइस, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।